नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की 30 अगस्त की सीरीज़ के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो को आपको लाइक कर देना और सभी मित्रों को शेयर कर देना। शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। हाल ही में हर रविवार डेंगू पर वार अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने ये हर रविवार डेंगू पर वार अभियान प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, लियोनेल आईजीईया को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? नाउरू का। अगला है, हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए SE शगुन लॉन्च किया है, इसका पूरा नाम क्या है? स्कूल एजुकेशन शगुन। अगला प्रश्न, बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? भारत। भारत ही पहला देश बना है जो बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज जारी करेगा। अगला है, स्विट्ज़रलैंड के बासेल में आयोजित विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? मानसी जोशी ने। अगला, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब लागू की जाएगी? 1 सितंबर। और ये जो योजना है वो आयुष्मान भारत बीमा योजना और भामाशाह बीमा योजना दोनों को मर्ज करके मिलाकर नया नाम दिया है, बनाई है। अगला प्रश्न है, ICICI बैंक देश का पहला बैंक बन गया है जिसने नोट गिनने के लिए रोबोट तैनात किए हैं, और इसके लिए राजस्थान के किस शहर को चुना गया है? जयपुर को। तो जयपुर में इस बैंक के अंदर नोट गिनने के लिए रोबोट तैनात किए जाएंगे। अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को नई दिल्ली में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जालम सिंह को। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। अच्छे लगे हों तो लाइक कर दें और सभी मित्रों को शेयर कर दें।